कितने बेटे? एक है। दो बेटी हैं? दो बेटी हैं। शादी कर ली सबकी? तो कितने साल से आपका ये हाल है? सात साल से। तो एक बेटा है तुम्हारा, एक बेटा तुम्हें रख नहीं सकता? अपना अपना करता है बस। दवाई के लिए पैसे वैसे कौन देता है? मांगते हो? यही कमाई है, यही सब कुछ है। कितने सालों से मांग रहे हो? जी एक साल। कभी बच्चे ये नहीं बोलते आपको कि बाबा रुक जाओ, घर पे बैठो, हम आपका ख्याल रखेंगे? हैं बाबा? कोई साथ नहीं देता? आप कहाँ जा रहे हो इतनी गर्मी में, कहाँ जा रहे हो? आप तो चला भी नहीं जा रहा। ऐसे ही मांगते हो? क्या नाम बताया आपने? मलिक राज। तुम्हारे परिवार तुम्हारा साथ क्यों नहीं देते, क्यों तुम्हें छोड़ देते हैं दर दर की ठोकर खाने के लिए? बात। एक दिन में कितना पैसा कमा लेते बाबा? कभी 80 कभी 90। कभी 80 कभी 90। कभी 90 ऐसे टाइम काट जी ऐसे टाइम काट रहे हो? ये बाबा हैं हमारे और इनका नाम है मलिक राज। मलिक राज इनका नाम है। और इस वक्त में मेरी गाड़ी आप पीछे देख सकते हैं, मैं अपनी गाड़ी ठीक कराने के लिए आया था। तो ये मुझे दिखे इनकी हालत, मुझे लगा कि इनको सच में इनकी मदद करनी चाहिए। ये इनकी हालत है, इनका ये जो हिस्सा है ये पैरालाइज है ना, चल नहीं सकते आप, बस ऐसे ही इसके सहारे चलते हो आप। बच्चों ने सहारा छोड़ा तो लाठी का सहारा ले लिया है। जिस उम्र में बच्चों को सहारा देना चाहिए था, आज लाठी का सहारा ले रहे हो। ये आपकी वीडियो डाल दें हम नेट पे, डाल दें इजाजत है? आपके बच्चे ये तो ये बोलेंगे फिर कि बाबा क्या करा दिया? कोई नहीं बोलता, कोई देखने नहीं आता। हो सकता है कम से कम ये वीडियो देख के शर्म आ जाए थोड़ा बहुत। अभी जेब में कितने पैसे हैं? गिनती नहीं होगी, बस यही जो है ये 20-30 रुपए से इतने। अच्छा, अगर हम आपकी कुछ हेल्प कर दें, इतनी हेल्प कर दें कि आप 10-15 दिन घर पे बैठ जाओ तो बैठ जाओगे घर पे? बैठ जाओगे, वादा कर रहे हो? ये तो नहीं है ना कि आप घर पे बैठ जाओगे ना? कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारा बेटा ही समझ रहा हूँ ना। जब ऊपर वाला कहीं रास्ते बंद करता है ना, तो अलग से रास्ते खोलता है। हिम्मत नहीं आनी है कभी भी, ठीक है ना? हिम्मत कभी नहीं आनी भाई। अब तुम्हें जाना है घर, अब मांगना नहीं है तुम्हें। अगर हम फिर कभी मिलेंगे फिर तुम्हारी मदद करेंगे, ठीक है ना? और दुआ करना सभी के लिए, अपने बच्चों के लिए दुआ करना कि वो ऊपर वाला उन्हें नेक बनाए, वो तुम्हारे ख्याल रखें। और अगर आप इनके बच्चों, अगर आप देख रहे हो इनको देख रहे हो, तो इनका ख्याल रखें। इस उम्र में ज़रूरत है, इस बूढ़े बाप को ज़रूरत है अपने बच्चों की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा अपना, ठीक है ना? आपने धन्यवाद ऊपर वाले का जिसने हमें भेजा। अब घर चले जाइए आप घर, ठीक है ना?